Hello friends, my name is Aarti Malik. I'm 21 years old and मैं sector 8 से belong करती हूँ. पहले मुझे करीबन एक महीने से पूरे back से लेके पूरे हाथ में pain था. मेरा left side pain इतना ज़्यादा था कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी और यहाँ तक कि मैं चल भी नहीं पाती थी. तो मुझे सारा काम लेट के करना पड़ता था, खाना भी मुझे लेट के खाना पड़ता था. मैं 2 मिनट के लिए बैठती थी तो पूरा जो मेरा बैक से जो हाथ तक पेन आता था वो ज़्यादा बढ़ जा रहा था. उसकी मैंने बाहर से काफ़ी सारी मेडिसिन ली और मैं डॉक्टर के पास आई. उन्होंने मुझे MRI के लिए बोला. तो जैसे ही मैं MRI के लिए उस जाने वाली थी, उससे एक दिन पहले करीबन सुबह 4 बजे मुझे साथ में पूरा पेन हो गया, जो कि पूरा बैग से लेके आगे आ रहा था. उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्वोदय में आई, उन्होंने मेरे को 2 इंजेक्शन्स लगाए दर्द के, लेकिन उससे मेरा पेन ख़त्म नहीं हुआ. उसके बाद मुझे एडमिट कर लिया गया. उसके बाद डॉक्टर से मेरी MRI करी, सारी रिपोर्ट्स आई, इसमें डिस्क की प्रॉब्लम बताई गई. उसके बाद उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी के लिए भेजा, उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिला. फिर लास्ट में उन्होंने ऑपरेशन के लिए सोचा. फिर उन्होंने ऑपरेशन किया मेरा. उसके बाद तुरंत ऑपरेशन के बाद मेरा पेन रिलीफ हो गया और मैं फिर चलने फिरने लग गया. मैं डॉक्टर आशीष टोमर जी का और सर्वोदय हॉस्पिटल का थैंक्स करना चाहती हूँ. गुड मॉर्निंग. आरती हमारे पास आई थी सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम से. उसको C5-C6 में डिस्क प्रोलैप्स था. C5-C6 के डिस्क प्रोलैप्स या किसी सर्वाइकल स्पाइन के डिस्क प्रोलैप्स में जनरली जो सर्जरी हम करते हैं उसमें डिस्क को हम जाम कर देते हैं, जिसको हम एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टिवी फ्यूजन प्रोसीजर बोलते हैं. उसके जाम होने से प्रॉब्लम ये होती है कि ऊपर और नीचे सर्वाइकल डिस्क के एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिससे ऊपर वाली डिस्क और नीचे वाली डिस्क आने वाले कुछ सालों में दिक्कत कर सकती है. क्योंकि आरती की उम्र जस्ट 21 साल थी और यंग पेशेंट थी, तो इसलिए भी डिसाइडेड कि हम उसका डिस्क को फ्यूज़ ना करके रिप्लेस करेंगे. ये रिप्लेसमेंट बिल्कुल जैसे घुटने बदलने का होता है या हिप रिप्लेसमेंट होता है, उसी के तर्ज पे होता है. एंड वी चेंज हर डिस्क, वी डिड अ डिस्क रिप्लेसमेंट, जिससे उसको इमीडिएटली पेन रिलीफ हुआ. एंड द सेकेंड एडवांटेज कि कोई ब्रेस में रखने की जरूरत नहीं है. शी वॉज एबल टू मूव हर नेक जस्ट आफ्टर द ऑपरेशन. और द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज डेफिनेटली कि जो ऑपरेशन के बाद एडजेसेंट सेगमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो अवॉइड हो सकती हैं इस प्रोसीजर से.